हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको प्रास्टोनम ड्राप के बारे में पूरी जानकारी देंगे, यानी कि ए टू जेड या सब कुछ बताऊंगा, इसमें क्या पड़ा हुआ है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है प्रास्टोनम ड्राप। प्रास्टोनम ड्राप, इसकी बात करें तो लिखा हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन प्रास्टोनम ड्राप, और नीचे लिखा हुआ है SBL। SBL के नीचे लिखा हुआ है वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी, यानी कि जो ये SBL है पूरे वर्ल्ड में इसकी मेडिसिन जाती है। इसके बाद बात करेंगे, ये 30 ml की बोतल आती है साथियों। जो इसकी CC है 30 ml की होती है, यानी ड्राप होता है। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या डाला गया है, उसको मैं आपको बता दूं। इसमें जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आपका सबसे पहला है सबल सेरुलटा, किमाइफिला अम्बिलटा, क्लिमाइटिस इरेक्टा, कोनियम मैक, परेरा ब्रावा, पल्सेटिला नाइग्रा। इतनी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित होता है, यानी कि जो इसमें मेडिसिन पड़ी हुई हैं ये इसमें पड़ी हुई हैं। इसके बाद बात करेंगे इंडिकेशंस की, जो इस पे लिखा हुआ है इंडिकेशंस में, तो वो क्या है। सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर यूरिनेशन, यानी कि इसका जो लक्षण होता है, यानी पेशाब की इच्छा, यानी जो पेशाब करने की इच्छा होती है, बार बार महसूस होती है कि पेशाब लगी हुई है। इसके साथ लिखा हुआ है इसमें बर्निंग, यानी कि जलन होती है पेशाब करते टाइम। मिक्चुरेशन, साथियों जो बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, जब भी आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में जलन होती है, उसी को बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं। अर्जेंसी टू यूरिनेट, यानी कि इसमें ऐसी पेशाब लगती है कि तुरंत भाग के जाना पड़ता है कि पेशाब हो जाएगी। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब ड्राप ड्राप करके होती है, यानी बहुत स्लो होती है। सेंसेशन ऑफ नॉट डन फीलिंग, इसमें जो है कि सेंसेशन नॉट डन फीलिंग इसलिए लिखा हुआ है कि आपके न चाहते हुए भी, आपके इच्छा के बगैर, आप नहीं चाहते हैं कि पेशाब हो, लेकिन पेशाब हो जाया करती है, यानी रात में भी कभी कभी पेशाब हो जाया करती है। फिर लिखा हुआ है इसमें हेजिटेंसी एंड इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, आप हेजिटेट करते हैं यानी शर्माते हैं जाने में, लेकिन आपको पेशाब लगी रहती है। इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, और इसमें जो है कि यूरिन करने में बाधा होती है, यानी कि पेशाब जल्दी से उतरती नहीं है। एन्यूरेसिस, जो एन्यूरेसिस हुए, ये अक्सर करके जो आपकी जो इच्छा है पेशाब करने की, आपके इच्छा के बगैर भी रात में हो जाया करती है, कुछ लोगों को देखते हैं, बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर होता है। जो बच्चे 5 साल से बड़े हो जाते हैं उनमें अगर ये चीज़ आने लगती है, यानी कि बिस्तर पे पेशाब हो जाता है, तो इसी को एन्यूरेसिस बोलते हैं साथियों। इसमें डोजेज की बात कर लें तो जो इस पे डोजेज लिखा हुआ है 10-15 ड्राप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर 4 times डेली एज बाई प्रेस्क्राइब बाई द फिजिशियन। तो साथियों 4 times लिखा हुआ है, लेकिन आप 3 times लेंगे तो भी बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आता है। आपको 15 ड्राप यानी कि 15 ड्राप सुबह में, फिर 15 ड्राप दोपहर में, फिर 15 ड्राप शाम को थोड़ा सा पानी में लेना होता है। और MRP इसकी है, MRP इस पे ₹160 है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है दिसंबर 2022, और एक्सपायरी डेट है नवंबर 2027। तो साथियों इतना है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये है CC इसकी, इसमें एक पेपर निकलता है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है इंडिकेशंस, उसको भी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह की CC होती है, इस तरह की। इसको आप खोलेंगे, ऐसे खोलते हैं, और 1/4 कप ऑफ वाटर यानी कि पानी लेंगे, उसमें ऐसे पानी ले लेंगे, फिर इसमें आपको 15 ड्राप टपकाना है। देखिए
ऐसे टपकाते जाइए। जब 15 ड्रॉप हो जाए तो आप उसको रोक देंगे। साथियों 15 ड्रॉप हो चुका है, एक दो ड्रॉप इधर उधर भी हो सकता है। आप इसको पूरी तरह से मिक्स करेंगे यानी पानी को हिलाएंगे और इसके बाद इसको पीना होता है। इसका कलर सेम टू सेम वाटर का कलर ही है यानी वाइट ही है, तो साथियों इसको पी लेना होता है जो कि बहुत बेहतर रिस्पांस देता है। इस तरह से आपको टपका लेना है। इसके बाद ये देखिए इस पेपर पर पूरा इंडिकेशंस लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पूरा विस्तार से पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो हो सका उसको मैं आपको बताया हूँ। तो जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो जय हिंद, धन्यवाद साथियों।